हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके पास अगर इंडिया का लाइसेंस है तो आप अपने देश के अलावा कुछ और बड़े देशों में भी, विदेशों में भी गाड़ियां चला सकते हैं आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे। क्या आप जानते हैं, भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से दुनिया के कुछ बेहतरीन देशों के बेहतरीन सड़कों पर आप गाड़ी चला सकते हैं, आपको अनुमति मिलती है। आप कितने दिनों की अनुमति मिलती है और कौन कौन से देश हैं दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं टॉप 10 देश जहां आपका ड्राइविंग लाइसेंस उपयोगी है, आप अपने इस ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पे 3 महीना गाड़ी चला सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है कि इंग्लिश में होना चाहिए दोस्तों। वहाँ के चमचमाती सड़कों पे आप ड्राइविंग कर सकते हैं और सड़क के बाएं ओर कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों जर्मनी। आप जर्मनी में 6 महीने गाड़ी चला सकते हैं, सड़क के दाएँ तरफ चलाया जाता है दोस्तों। वहाँ जो है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का लैंग्वेज इंग्लिश में भी ही होना चाहिए दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पे 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। उसके लिए आपको एक L94 फॉर्म की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है कि इंग्लिश में होना अनिवार्य होता है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों चौथे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड। यहाँ भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस का भाषा लैंग्वेज इंग्लिश में होना चाहिए। यहाँ 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हैं यहाँ के सड़कों पे, और यहाँ का साइड दोस्तों बाईं ओर होता है, तो आप इस तरह यहाँ भी गाड़ी चला सकते हैं। और पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आप वहाँ के लाइसेंस बनने तक आप अगर आप अप्लाई करती हैं तो जब तक नहीं बनता है तब तक आप इंडिया के लाइसेंस पर ही गाड़ी वहाँ चला सकते हैं दोस्तों। छठे नंबर पर आता है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की सड़कों पर आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे। इंडियन लाइसेंस का लैंग्वेज इंग्लिश में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है कनाडा। सातवें नंबर पे आता है कनाडा। कनाडा में आप 1 महीने तक 60 दिन तक गाड़ी चला सकते हैं, सड़क के दाई ओर गाड़ी आप चला सकते हैं दोस्तों। आपके ड्राइविंग लाइसेंस का भाषा इंग्लिश में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आठवां नंबर आता है दोस्तों सिंगापुर का। सिंगापुर में आप 1 साल तक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस का भाषा इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में प्रिंटेड होना चाहिए फोटो सहित। नौवें नंबर पे आता है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की शानदार सड़कों पे, चमचमाती सड़कों पे आप 1 साल तक इंडिया के लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। आपके लाइसेंस का भाषा इंग्लिश में होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दसवें और सबसे आखिरी नंबर पे आता है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे एक छोटा सा देश है जहाँ पे आप 3 महीने तक इंडिया के लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। आपके लाइसेंस का भाषा इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में प्रिंटेड होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे बड़े 10 देशों के नाम जहाँ पे इंडिया के लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं, और भी देशों में चला सकते हैं दोस्तों। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ और चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।